पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एकता सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर ध्वजारोहण करते हुए धूमधाम से इसे मनाया गया, जिसके बाद स्कूल के बच्चों को मिष्ठान वितरण किया गया। कार्यक्रम में सभी ने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की शपथ ली और अपने उत्तरदायित्व को भी समझा। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दीपाली अग्रवाल, भावना चौधरी, हर्षित गुप्ता, अशोक शर्मा, डॉक्टर पीवी गुप्ता, अंचित अग्रवाल, दिव्या अग्रवाल, हिमांशु शर्मा, क्षमा गोयल, सरिता शर्मा, अमित शर्मा, मोहनलाल सैनी, सुमन गुप्ता, शैलेंद्र शर्मा, शैलेंद्र यादव, देवेंद्र सिंह जटराना के साथ और भी सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया प्रभारी दिव्या अग्रवाल ने अपना पूरा सहयोग दिया। या अगर हमें अपना नाम रोशन करना, अपने परिवार का नाम रोशन करना या स्कूल का नाम रोशन करना है तो अपने जीवन में कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे जिससे हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे शहर का नाम हो। और हम अगर कुछ जीवन में बनेंगे तो हमारा परिवार भी उन्नति करेगा। आपके मम्मी पापा मेहनत करके आज आपको पढ़ा रहे हैं तो आप भी प्रेरित करें कि उनके पैसे को खराब नहीं करेंगे और कुछ बन के जीवन में दिखाएंगे। मैं सभी को 15 अगस्त के 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि कॉन्वेंट स्कूल या इंग्लिश मीडियम के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं अधिकारी बनते हैं। जो लाइटों में पढ़े, स्ट्रीट लाइट की लाइटों में पढ़े, छोटे से स्कूल से निकले, वो सब, क्योंकि पढ़ाई पढ़ने से की जाती है, रुपयों से नहीं। ठीक है, आज आप पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अधिकारी बने या कुछ करें तो उसके लिए मन लगा के पढ़ाई करें। और जिसने अपने क्लास का कोर्स जीत लिया तो समझ लीजिए आप हर क्लास में अपना कोर्स जीतते जाइए तो आगे दिन आप अधिकारी बन जाएंगे। पहले तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हमारी एकता सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा यहाँ केसी कुंज में ध्वजारोहण किया गया, उसमें यहाँ पे स्कूल के बच्चे और सभी वरिष्ठ जन यहाँ पे एकत्रित हुए, जिन्होंने सबने मिलकर भारत माता के ध्वज को प्रणाम किया। अब इसके बाद हम बच्चों को मिठाई वितरण करने के लिए स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे हम बच्चों को मिठाई वितरित करेंगे और उनको स्वतंत्रता दिवस का महत्व समझाएंगे और उनसे संकल्प लेंगे कि आगे अपने भारत को और ऊंचाई पर ले जाएं और अपने भारत को ऐसे ही स्वतंत्रता बनाए रखें, खुशहाल रखें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।